नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार बनाई जा रही है, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार बनाने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सीमेंट, सैंड और ब्रिक, यानी कि सीमेंट, रेत और ईंट कितनी लगेगी, कितने रुपये की लगेगी, और इसके साथ साथ 10 बाई 10 फीट की दीवार बनाने में लेबर मिस्त्री का टोटल कितना पैसा हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन कास्ट ऑफ 10x10 फीट वॉल, यानी कि 10x10 फीट की दीवार को बनाने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो यदि हम सबसे पहले इस वॉल के थिकनेस की बात करें, यानी कि मोटाई की बात करें, तो 9 इंच है, और इसके साथ साथ इस दीवार को जोड़ने के लिए जो सीमेंट और सैंड का मिक्सर यानी कि मोर्टार बनाया गया वो 1:5 का है, यानी कि 1 बैग आपका सीमेंट है, 1 बैग सीमेंट में 5 बैग सैंड मिलाया गया है, यानी कि 5 बैग रेत मिलाई गई है। तो चलिए देखते हैं कि 1:5 के मोर्टार यानी कि मसाले से 9 इंच की दीवार जोड़ने में कितनी ईंट लग जाएगी, और सीमेंट कितना बैग लगेगा, सैंड कितना क्यूबिक फीट लगेगा, और ईंट जोड़ने का टोटल लेबर रेट कितना होगा, और लास्ट में हम आपको टोटल करके दिखाएंगे कि लेबर मटेरियल सहित 10 बाई 10 फीट की दीवार को जोड़ने में कितना खर्च हो गया। तो सबसे पहले यदि हम ईंट यानी कि ब्रिक की बात करें, तो 10 बाई 10 फीट की दीवार को जोड़ने में 1069 यानी कि 1069 ब्रिक लग गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल हमारी 1069 ईंट लग गई। और यदि हम 1069 ईंट के प्राइस की बात करें, तो हमारे एरिया में प्रेजेंट टाइम में 7.5 यानी कि 7.5 रुपये की एक ईंट मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि 1069 ईंट का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 8017 यानी कि 8017 रुपये की ईंट हो गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल हमारा 8017 रुपये का ईंट हो गया। ब्रिक के बाद यदि हम सीमेंट की बात करें, तो 10 बाई 10 फीट की दीवार को जोड़ने में 3.144 बैग सीमेंट लग गया। और यहाँ पर यदि हम सीमेंट सैंड रेशियो की बात करें, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि 1:5 रेशियो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यदि हम 3.144 बैग सीमेंट के प्राइस की बात करें, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 430 रुपये का 1 बैग सीमेंट मिल रहा है। तो चलिए हम गुणा करके देखते हैं कि 3.144 का कितना रुपए हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1351 रुपये का हमारा सीमेंट लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1351 रुपये का सीमेंट हो गया। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें, तो 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार को जोड़ने में 19.275 क्यूबिक फीट सैंड लग गया। और यदि हम रेट की बात करें, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 86 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से सैंड मिल रही है। तो चलिए हम 86 से गुणा करके देख लेते हैं कि 19.275 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत का टोटल कितना पैसा हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर गुणा करके देखते हैं। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 1657 रुपये का हमारा सैंड यानी कि रेत हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1657 रुपये की हमारी रेत हो गई। सैंड के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें, तो ईंट जोड़ने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 18 रुपये यानी कि 18 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। और यहाँ पर 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार थी, तो इस हिसाब से टोटल 100 स्क्वायर फीट हो गया। और एक स्क्वायर फीट वर्क करने का यानी कि एक स्क्वायर फीट ईंट जोड़ने का जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ था वो 18 रुपये था यानी कि 18 रुपये था। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि 18 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 10 बाई 10 फीट की दीवार को जोड़ने में कितना लेबर रेट हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल लेबर रेट 1800 यानी कि 1800 रुपये हो गया। आपके एरिया में ईंट जोड़ने का क्या रेट चल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। तो चलिए अब हम ब्रिक यानी कि ईंट, सीमेंट, सैंड और लेबर का टोटल करके देखते हैं कि 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार को जोड़ने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार को जोड़ने में लेबर मटेरियल सहित 12,825 रुपये का खर्च हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल हमारा 12,825 रुपये का खर्च हो गया। तो यदि आप 9 इंच मोटी 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार बनाने वाले हैं, तो
तो आप ये मान के चलिए कि आपका 12,825 रुपए से लेकर 13,000 रुपए के बीच का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।